नौवे अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक नौवे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देखियो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके यज्ञ और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया। ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। विच श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कालपुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीरथ के पावन जल से स्नान करने को चले और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आँखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नौवे अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नौवे अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के नवे अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीप से मैं नित्य ही गीता के नौवे अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के नवम अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए।
ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया।